गाइस पिछली वीडियो में तुमने आपको बताया था कि कैसे एलिफेंट मर गए और वाइल्ड लाइफ खतरे में आ चुकी है। वैसा ही एक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वैसा ही क्या, उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हुआ कुछ ऐसा है, 460 वेल्स एक झुंड में मिली है बीच के किनारे, जिसमें से 380 तो मरी हुई थी, 50 को बचा लिया गया और 30 अभी भी बचनी बाकी है। ये रेस्क्यू मिशन 3 दिन लगातार चला है, जिसमें 60 लोगों ने इसमें मदद करी है और साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये किस वजह से एक झुंड में आई और यहाँ कोस्टल एरिया पे आके कई सारी तो मर गई और कुछ ही बच पाई। और ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया है कि आज तक इससे पहले इतना बड़ा डिजास्टर कभी नहीं हुआ है और हिस्ट्री में भी आज तक इससे पहले पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने क्रिएचर्स मर गए हों एक साथ, वो भी किसी अननोन रीजन की वजह से। गाइज इनसे मिलिए, ये है चाइनीज वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मैंगयान। इन्होंने अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ 2 बड़े स्टेटमेंट दे दिए हैं। पहला तो आपको पता ही होगा, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि कोरोना वायरस बनाया गया है लैब में, ना कि किसी एनिमल की वजह से वो क्रिएट हुआ है अपने आप। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये दिया है कि WHO और चाइनीज गवर्नमेंट मिले हुए हैं और WHO ने बहुत कुछ छुपा रखा है। और इन्होंने ये भी बताया है WHO ने खूब कोशिश करी है ये छुपाने की कि वुहान की एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी में बना था ये वायरस। बाकी आपको इनका पूरा इंटरव्यू देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे करारे करता है, ऐसे कुल्ला करता है, तो ये न्यूज बहुत जरूरी है उस इंसान के लिए, उसको ये न्यूज दिखाओ। अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला एक आदमी जो 39 ईयर ओल्ड था, वही अपना नॉर्मल सुबह सुबह ब्रश कर रहा था। पता नहीं ऐसा कौन सा ब्रश कर रहा था कि उसने अपना 19 सेंटीमीटर का टूथ ब्रश निकल लिया। फिर क्या वो नया ब्रश ले आया जाके, इसमें कोई बड़ी बात है? मजाक कर रहे हो भाई। फिर वो भागा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा ईसोफेगस का एक्सरे कराओ। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस होता है गले से जस्ट नीचे की जगह। एक्सरे के बाद पता चला कि वहां से तो ट्रेन निकल चुकी है, वहां से टूथब्रश जा चुका था और वो पहुंच चुका था पेट में। फिर क्या हुआ? फिर उसको भर्ती कराया। फिर से उसके बाद पता चल गया कि टूथब्रश उनके पेट में ही है और कर दी आधे घंटे के अंदर उनकी सर्जरी। तो अगर आपके घर में भी कोई हायता हुआ करके ये करता है टूथब्रश, तो भैया उसको भेज दो वीडियो। ये जो जीन्स अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 600 पाउंड की और अगर इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये होते हैं लगभग 57,000 रुपीज। और गाइज अगर आप मेरी वीडियो को रिपोर्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको बता दूं, एक बार ये स्क्रीनशॉट और देख लीजिए। ये गुची की जीन्स है, ये ऐसी वैसी जीन्स नहीं है, ये एक रॉयल्टी की निशानी है। जितने में आप पूरा का पूरा दुबई का टूर करा सकते हैं, उसमें आप ये जीन्स खरीद सकते हैं और उसमें भी आपके 5-6 हज़ार बच जाएंगे। और ये जीन्स ऐसी वैसी नहीं है, आप इससे पोछा भी लगा सकते हैं घर पे। और गाइज अगर आपने ठान लिया है इस जीन्स को खरीदने का, तो एक काम करिएगा, आप 2 जीन्स का अगर आप पे पैसा हो तो आप जीन्स ले लीजिएगा और मेरा एक दुबई का टूर करा दीजिएगा। थैंक यू। और आपको अभी भी मजाक लग रहा है तो जाके डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिएगा, मैंने वहाँ पे लिंक डाल दी है। फिलहाल के लिए गाइज इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर तो भाई करना है ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।